Hi students, I'm Rajesh Dharwara. Welcome to my channel, Nothing Possible in the World. Student, today I'm gonna to explain the poem number 3 in English class 12th on His Blindness, Uska Andhapan, composed by John Milton. His life span is 1608 to 1674. Uska jivan kal 1608 se 1674 tak raha. In this poem, the poet John Milton told about himself. Is kavita mein kavi John Milton swayam ke bare mein bataye hue hain. So let's start. When I considered how my life is spent, जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आँखों की रोशनी चली गई, year half my days, आधी उम्र से पहले, in this dark world and wide, इस अंधकार रूपी दुनिया से, जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आँखों की रोशनी चली गई आधी उम्र से पहले इस अंधकार रूपी दुनिया से, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, और वह एक योग्यता जो मेरी मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी, लॉजेस्ट विथ मी यूजलेस, वह मेरे पास बेकार में ही पड़ी हुई है, दो माई सॉल्स मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अत्यधिक उत्सुक है टू सर्व डियर विथ माय मेकर्स, उसकी सहायता करने के लिए जिसने मुझे बनाया है, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए तो लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वापस जाने के बाद ईश्वर मुझे डांटे फटकारे, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर्स लाइट डिनाइड्स, क्या ईश्वर उससे भी आशा रखता है जिनकी आंखें वह स्वयं छीन लिया हो, उससे भी आशा रखता है काम करने के लिए, आई फाउंडली यस, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य उस शिकायत को बताता है, दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, वह तुरंत उत्तर देता है, धीरे धीरे आवाज से मेरी आत्मा से आवाज आती है, गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, या तो मनुष्यों के काम की या तो उसके द्वारा उसके उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हु बेस्ट बियर्स हिज मिल्ड योग, वह जो अच्छे से सहन करता है, दे सर्व हिम्स बेस्ट, वह सबसे अच्छा सेवा कर रहा होता है, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है, वह सबसे अच्छा सेवा कर रहा होता है या करता है, हिज स्टेट हिज काइंडली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है, थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड, हजारों देवदूत तेज गति से एंड पोस्ट आर एयर्स लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जमीन पर या सागर में दौड़ लगाने लगते हैं, जमीन पर या सागर में तेजी से दौड़ लगाने लगते हैं बिना किसी आराम के, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट सच टाइप्स ऑफ मोर वीडियो।